तो ये जो बायोमेट्रिक का सिस्टम है, इस पर बात करने के लिए यहाँ पे राशन की लाइन में हमारे साथ एक युवा है। तो सर, ये जो बायोमेट्रिक लगी है, आपके नजरिए में ये ठीक है या गलत है इस वक्त? अभी तक तो रिसेंटली ठीक ही चल रहा है, और बाद का पता नहीं। लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस है, राशन ठीक है कि ये बायोमेट्रिक पे चलता है, लेकिन इस वक्त एक ही जगह पे आप भी अंगूठा लगाएंगे, आपके साथ जो है वो भी अंगूठा लगाएंगे, तो अगर खुदा ना खवास्ता एक किसी को भी ये महामारी निकली तो वो तो सबको सब जाएगी। ठीक है लगाई है, लेकिन क्या इस वक्त लगाना ये ठीक था? मेरे ख्याल से तो इस वक्त लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जब टच करते हैं इसको किसी दूसरे को भी फैल सकता है। जो साथ में इसके आते हैं वो बंदा भी इसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है, इसके संक्रमण के बीच में आ सकता है। शुक्रिया सर। जेके फर्स्ट पे सबका खैर मद्दम है, स्वागत है। आज हम हैं मिहाड़ी में, जो कि कालाकोट से कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। हमें जैसे कल सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ आई थी बायोमेट्रिक यूज़ की, जिसे बायोमेट्रिक यूज़ करके राशन दिया जा रहा है, जबकि बायोमेट्रिक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दी गई है, लेकिन स्टेट जो है वो इसका यूज़ कर रही है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक डीलर हैं, जो कि मिहाड़ी के हैं। तो सर, ये जो बायोमेट्रिक है ये किसके आदेश पर यूज़ हो रही है? सर, ये TSO साहब ने हमें ऑर्डर दिया है कि बायोमेट्रिक के से ही आपको राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम उन्हीं के कहने पे कर रहे हैं। क्या कोई रिटर्न जो है वो आपको दी गई थी एप्लीकेशन, या कोई नोटिस जो रिटर्न दिया हो कि गवर्नमेंट की तरफ से ये है? जी नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। उन्होंने बोल के आपको बोल दिया कि बायोमेट्रिक के थ्रू दिया जाए। लोग इस चीज़ से क्या यूज़ करते हैं इस चीज़ का, या ज़ोर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है? सर, अब भी ज़ोर ज़बरदस्ती का ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो करना पड़ेगा सब। तो कितने लोग पर डे यहाँ से जो इस वक्त वो राशन लेके जा रहे हैं? अभी 50-60 लोग तो प्रतिदिन जा रहे हैं जी। तो आप सुन रहे हैं कि जोर जबरदस्ती ही करके, क्योंकि कोई भी, सबको मालूम है कि ये बाई टच जो है, जो इस वक्त महामारी है वो फैल रही है, तो लोगों को जोर जबरदस्ती, क्योंकि राशन जो है वो तो मुहैया चाहिए चाहिए, घर में अन्न चाहिए चाहिए, तो जोर जबरदस्ती लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ये राशन लेके जा रहे हैं। खुदा ना खवास्ता अगर कोई एक भी इंसान, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट रजौरी किसी और पार्ट का हो, या जम्मू कश्मीर में किसी भी तहसील से या विलेज से बिलोंग करता हो, अगर एक भी निकला वहाँ पर, अगर बायोमेट्रिक का इसी तरह यूज़ चलता है, तो ये महामारी कहाँ तक फैलेगी? इस वक्त के जो आंकड़े हैं वो हिंदुस्तान में 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हर एक घर में एक या दो लोग ज़रूर पॉजिटिव मिलेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर लिया है, लेकिन इस तरह के स्टेप, ये क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बंद है, ना जाने अब कौन सी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि आप बायोमेट्रिक यूज़ करें। सर नमस्कार। सर, मैं मीडिया से बोल रहा हूँ। सर, ये जो बायोमेट्रिक का सिस्टम शुरू किया गया है, मैं इस बात एक डिपो पे हूँ। सर, यहाँ पे लोग जो हैं वो बायोमेट्रिक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान एक ही जगह पे अंगूठा लगा रहा है, तो सर अगर कल को कोई ऐसी वैसी हो गया, कोई एक एक या दो आदमी निकल आया खुदा ना खवास्ता, तो सर कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ का? ट्रायल बेस है, आपने अपना आधार चेक करना वो ठीक है या नहीं है, आपने तो राशन ही रोका है, ले लो आप राशन। तो सर, ये क्या जो ऑर्डर है सर, ये बाय रिटर्न आया हुआ है, या सिर्फ सर ऐसे एज ए ट्रायल ऑन बोल के सर चल रहा है? रिटर्न है जना, सेक्रेटरी साहब ने भी लिखा हुआ है। सर, इसकी कॉपी एक मिल सकती है हमें? हाँ, मिल जाएगी। शुक्रिया सर, एक कॉपी सर दे दें हमें। सर, जैसे कि एक राशन डिपो पे जो बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जा रही हैं और राशन डीलर जो हैं वो अंगूठा लगा के राशन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं जेके फर्स्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि जैसे आपको पता है कि कोरोना दिन पर दिन फैल रहा है, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, रजौरी डिस्ट्रिक्ट जहां का मैं रहने वाला हूं, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में दिन पर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, और ये डायरमेट्रिक्स जो सिस्टम है इसमें क्या होता है कि आपको अंगूठा लगाना पड़ता है, जब आप अंगूठा लगाते हैं तो इसमें जितने डीलर्स हैं वो अंगूठा लगाएंगे वहाँ पर, तो इसमें कोरोना के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आपको एक दूसरे से म्यूचुअल आपने मिलना भी नहीं है, और आपने अवॉइड करना है, और मास्क का प्रॉपर यूज़ करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। इससे क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान, कोई डीलर जाता है, वो अंगूठा लगाता है, क्या पता उसको कोरोना हो, तो दूसरा बंदा वहां पे जाके अंगूठा लगाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको भी कोरोना हो जाएगा। तो मेरी
सरकार से अपील है, डीसी साहब से अपील है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील है, और डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई से अपील है, जितनी देर ये हमारा जो बुरा वक्त चल रहा है जो हमारी रियासत में और हमारे हिंदुस्तान के लिए जो कोरोना वायरस जो इतनी डिफ़िकल्ट है, दिन भर दिन लोग मर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को बंद किया जाए और जब हालात ठीक हो जाएंगे तो ये सिस्टम वापस स्टार्ट कर दीजिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, हम कहते हैं कि हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे हम कोरोना को रोक पाए। और मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, जो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैं तल्लक रखता हूँ, जहाँ का रहने वाला हूँ, उन लोगों को बचाने के लिए हम जो भी करें वो कम है। और हमारी ड्यूटी बनती है कि अपने हर इंसान की और अपने हर व्यक्ति की, कालाकोट के लोगों की, हम अपनी जान बचाने में कोशिश करें, क्योंकि कोरोना का ऊपर वाले को ही पता है क्या बीमारी है। ना इसकी कोई अभी एंटीडोज बन पा रही है, ना इसका कोई सिस्टम है और ना इसका कुछ पता चलता है। तो मेरी एक अपील होगी लोगों से भी, एक अपने लोगों से, कि सबको कोरोना के टेस्ट करवा लेने चाहिए जो रेड जोन में एरिया है। और मैं आपको बताऊँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दरकेरिया पड़ता है, तत्तापानी से आगे ब्रो वाली जगह से, वो भी पिछले दिनों से रेड जोन में था, रजौड़ी रेड जोन में है, निशारा रेड जोन में कुछ एरिया आया हुआ है, सुंदरबनी रेड जोन में आया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट रजौड़ी बहुत इस टाइम खतरनाक एरिया में। और मेरी अपील होगी सरकार से कि इस चीज़ पे देखा जाए। सर, डिपकॉन सबसे एक ही पीर है, जितनी देर कोरोना वायरस का मुश्किल वक्त चल रहा है उस टाइम ये वाला जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें अंगूठा में लगाना पड़ता है वो बंद किया जाए अभी, और जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं फिर किया जाए, क्योंकि ये हमारा, ये मेरा एज ए पार्टी और मैं यूथ का एक अपनी पार्टी का वफादार सिपाही हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का और वाइस प्रेजिडेंट हूँ जम्मू प्रोविंस का, मेरा हक बनता है कि जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना, इससे कोरोना वायरस फैलने के चांसेस हो सकते हैं, तो हमारी लोगों की सेफ्टी है। और दूसरा, मैं जेके फर्स्ट के माध्यम से एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को और डीसी साहब को, सर कोरोना तो डेंजरस है ही है, पर हमारे लोगों को गरीबी भी हो रही है इससे। आज के डेट में लोगों के पास जॉब नहीं है क्योंकि बेरोजगारी हो गई है, क्योंकि आज की डेट में कोई तैयारी नहीं लगाता क्योंकि काम लोगों ने बंद कर दिए कि कोरोना के बाद। जो लोग मजदूर थे, एग्रीकल्चर को बड़ा नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर में कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को मुश्किल। आप आज देख लीजिए, सिलेंडर दिन ब दिन महंगा हो रहा है, आप राशन देख लीजिए दिन भर दिन महंगा हो रहा है, सब्जियों के रेट महंगे हो गए हैं, तेल और डीजल महंगा हो गया। तो मैं आपके माध्यम से, मैं डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब से और मैं जम्मू प्रोविंस के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो इस टाइम जिनकी हुकूमत में जो बैठे हैं, जो गवर्नर रूलिंग कर रहे हैं, कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकाले जिसमें गरीब लोगों को नुकसान ना हो। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग तो ये चीज़ बोलते हैं कि हम कोरोना से बाद में मरेंगे पर गरीबी से मर जाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है। आप मुझे खुद बताएं, जो दिहाड़ी लगाने वाला जो बंदा है, जो 300 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा इस कोरोना में? सर, जैसे आपके एरिया के रजौरी के एडी साहब ने वहाँ पे केरोसिन ऑयल भी बंद कर दिया, आप क्या कहना? सर, जो एडी साहब ने जो केरोसिन ऑयल बंद किया है, वो उनका कोई कुछ रीज़न होगा जो उन्होंने बंद किया, पर मेरी उनसे अपील होगी कि कुछ थोड़ा बहुत केरोसिन ऑयल लोगों को देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को मुश्किल आती है, दिक्कत आती है, तो कुछ एरिया में जहाँ उनको ठीक सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू द जो कानून में है, थोड़ा हर डीलर को केरोसिन ऑयल देना चाहिए कि डीलरों को मुश्किल ना आए आने वाले वक्त में, और ये मुश्किल वक्त है तो आपको देना चाहिए। क्या पता उन्होंने कुछ रीज़न की वजह से बंद किया होगा, हम ईडी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे पर्सनली जाके कि क्या है, और डीलरों को कुछ देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जितना कानून में लिखा है उतना डीलर को मिलना चाहिए कि लोगों को मुश्किलात ना आए उसमें। तो ये आप सुन रहे हैं कि ठीक है, बायोमेट्रिक के थ्रू राशन दिया जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस पे बायोमेट्रिक का यूज़ जो है वो ठीक नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बंद होने के बावजूद भी इसको चलाया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है। जवाबदारी किसकी होगी? अगर कोई एक इंसान भी किसी इलाके में, अगर एक को भी इस महामारी ने जकड़ा, उसके बाद अगर वो राशन लेने गया, उसके बाद उसके साथ जितने होंगे वो सारे महामारी के हद में आएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा? एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, जवाब देती नहीं है, ऑफिसर जो हैं वो बोलने से कतराते हैं, तो कौन जवाबदारी लेगा लोगों के घर वालों की? कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, जेके फर्स्ट, कालाकोट, रजौरी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए